कलंडी साहू यहाँ पर पूछ रहे हैं परफेक्ट टाइम बता दो भाई। परफेक्ट टाइम है 9:20 ब्रो, 9:20 को स्टार्ट करना है। 9:20 घड़ी में देखेंगे 9:20, उसके बाद 10 की काउंटडाउन होगी, उसके बाद हाँ अभी तो ऑफलाइन दिखाएगी क्योंकि अभी अभी स्टार्ट किया मैंने, अभी तो मैंने स्टार्ट किया। एक मिनट फिर से रिफ्रेश कर ले, आ जाएगा। क्या ग्लीच है बे गेम का, मतलब ऑमलेट आर्केड का। तो गाइस देखते पे देखते हमारे यहाँ पर से, हमारे से मतलब 14 बंदे हमसे जुड़ चुके हैं और डेडली एसके हमारे आज डेडली टीम के साथ खेलेंगे, मतलब टीम की तरफ से खेलेंगे। तो डेडली एसके आके बैठ चुके हैं टीम नंबर 24 25 थे, पर क्योंकि ट्वेंटी फाइव स्लॉट 25 हमेशा डेडली का है। हाँ मेरे तेरा आवाज आएगा अभी, दो टेंशन की बात नहीं है। अरे मेरे कंप्यूटर के साथ भी आज कुछ हो रहा है बे। डिस्कॉर्ड में आपका वॉइस ऑलरेडी फुल है ब्रो, ऑलरेडी फुल है। तो क्या हो ना, आईपैड से मैं अमित वैद्या ब्रो ऑलरेडी ओके। और एक बार स्पैम कर दो पंका ब्रो, आईडी पासवर्ड और एक बार स्पैम कर दो। ओके ओके मैंने दे दी, छोड़ दे ब्रो, ऑलरेडी दी हुई है, चेक कर लो और ज्वाइन कर लो। लेकिन आपको बता दूं, आईडी पर आप स्लॉट 1 से लेकर स्लॉट 12 तक किसी भी स्लॉट में जाके बैठ सकते हैं, बाकी जो स्लॉट्स हैं सारे बुक्ड हैं, तो उस उनमें मत जाइए प्लीज़, क्योंकि हमको मजबूरन किक करना पड़ेगा कोई भी टीम अगर कंप्लेन करती है तो। किंग मुस्तफा D1920 बोल रहा स्लॉट दो भाई। एक मिनट स्लॉट स्लॉट ब्रो, कर रहा स्लॉट हूँ। अभी देने की जरूरत नहीं है ब्रो, किसी भी स्लॉट में जाके बैठ जाओ। 1920 को बता दो, एक मिनट में बता देता हूँ। स्लॉट 13 बैठ जाओ। ओके स्लॉट 13, अबे ऐसे स्लॉट 13 पे कोई नहीं है। हाँ चल स्लॉट 13 फ्री है, चल बैठ जाएंगे वो लोग। स्लॉट 13 फ्री है। और डेडली देवजीत को यहाँ पर इन्वाइट किया जाए, क्योंकि डेडली देवजीत है लॉबी पे। ठीक है मैं और हम इनवाइट लोग कर एक रहा एक हूँ। करके चेक करते हैं थोड़ा सा। रूपम रिपोम कोई दास, एमुलेटर रिपोम तो नहीं दास चेक कर लेना है के, क्या हाँ असित भाई? एमुलेटर तो नहीं ये चेक कर लेना हाँ एम्यूलेटर पहले जॉइन तो कर लेना ज़रूर है। चेक करूँगा भाई। एम्यूलेटर तो इजीली डिटेक्ट हो जाते हैं ना, एम्यूलेटर की प्रॉब्लम हाँ नहीं इजी है। डिटेक्ट हो जाता है। जो दिक्कत देती है वो है हैकर वाले भाई। हाँ क्या थोड़ा ज़रूरत है हमारे कस्टम में आने की हैकर लोगों को, मतलब क्या ज़रूरत है। हैकर में मिलता क्या है इन लोगों को? लाइव देख के आ जाते हैं ब्रो। टाइम बता भाई, टाइम है 9:20 ब्रो, कितने बार बताओ लाइव पे। आप लोग ऐसे इंसल्ट मत करो अभी ब्रो, परफेक्टिंग बता दो ब्रो। अक्सी कलंडी बोल पूछ रहे हैं हमें, मतलब नाइन टाइम है 9:20, हर दिन स्टार्ट होता है 9:20 को, आज भी स्टार्ट होगा 9:20 को। और 8 मिनट बचा है आपके पास, 8 मिनट के अंदर आ जाओ, सारे सारे जितने ही बंदे हैं सब के सब आ जाओ 9:20 के अंदर। ऑल राइट यहाँ पर 26 बंदे हमारे साथ आ चुके हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एंड हम लोग चेक करेंगे एक एक करके। देवली देवजीत का भी देख लेते हैं, इसका KD है 2.28 6 15 मैचेस में। और यूनिकॉर्न गाइस एक चीज़ बताओ, अगर बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक अच्छे से मतलब थोड़ा सा बहुत धीमा सा चले तो कितना अच्छा है क्या, मतलब वो बेटर होगा या फिर ऐसे ही ठीक है, ये चीज़ ज़रूर बताना हमें कॉमेंट में, क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं बैकग्राउंड में अगर एक थोड़ा सा हल्का सा म्यूजिक चले तो मुझे लगता है थोड़ा सा बेटर होगा। क्या क्या बोलते हो पंका भाई, क्या बोलते हो अगर बैकग्राउंड में एक एसके का कॉल था इसके का बोलो कॉल बोलो था, क्या बोल रहे थे? बैकग्राउंड में अगर एक हल्का सा म्यूजिक चले तो कैसा होगा बैकग्राउंड में, हमारे जो कस्टम है अभी जो लाइव चल रहा है उसके बैकग्राउंड में एक हल्का सा म्यूजिक, मतलब होते हैं ना यूट्यूब वाले।
यूट्यूब कर देंगे बाद में, अभी रहने तो क्योंकि दिक्कत हो जाएगा बाद में। बाद में दिक्कत हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट जो कस्टम है नेक्स्ट कल ही है, मंथ। हमारा हाँ नेक्स्ट कस्टम है, संडे वाला कस्टम है, ओके कल ओके इरांगल है, टीपीपी है। और आज का है, आज का प्राइज मनी मैं आपको बता दूं, याद दिला दूं, आज का जो प्राइज मनी है जो कि सैनोक स्क्वाड मैच टीपीपी है, विनिंग टीम को मिलेगी 20 रुपीज़, एंड जो टीम हाइस्ट किल करेगी उसकी मिलेगी 40 रुपीज़, एंड सेकेंड हाइस्ट टीम को मिलेगी, सेकेंड हाइस्ट मतलब किल के हिसाब से, किल के हिसाब के जो सेकेंड हाइस्ट टीम है उनको मिलेगी 30 रुपीज़। मतलब विनिंग टीम को सबसे कम मिलेगी, सबसे हाइस्ट किल वाली टीम को 40 रुपीज़, एंड सेकेंड हाइस्ट को 30 रुपीज़। मतलब आज जो है किल्स के ऊपर है, सर्वाइवल गेम के ऊपर ज़्यादा नहीं है, मतलब है आपको विन करना होगा तभी मिलेगी, लेकिन आप अगर हाइस्ट किल करके सेकेंड मतलब फर्स्ट रनर या फिर सेकेंड रनर या भी किसी भी जगह पर मर जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपका किस किल अगर हाइस्ट होती है तो आपको विनिंग 40 रुपीज़ थ्रू पेटीएम मिलेगी। तो गाइस यहाँ पर 34 नाइस। बंदे जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और हमारा टाइम जो है 9:15, 5 मिनट है यहाँ पर, आपको जल्दी से ज्वाइन करना है सब सारे बंदे को। और 36, जैसे कि 10 टीम हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं विथ डेडली 11 होते हैं, 11-12 टीम होगा शायद आज, तो ऑलमोस्ट 48-50 बंदे की एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर। 38 बंदे, उनमें से 38 बंदे हमारे साथ जुड़ चुके 38 हैं। बंदे हो चुके हैं और ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास ये भाई ये क्योंकि बंदे जो है ना बहुत आलसी हैं बे, कितना टाइम बहुत लेते हैं। आलसी है, कुछ ज्यादा ही आलसी है। कल से ना मैं सोच रहा हूँ कल एक से बात टाइम थोड़ा सा बताओ आगे कि कर दो, मतलब 9:15 को मैच स्टार्ट होगा, और 8:50 को आईडी पासवर्ड सबको 45, प्रोवाइड की हाँ जाएगी। 845 या 50 को आईडी पासवर्ड दे देंगे हम लोग। हाँ, कल से मैं यही करना होगा, नहीं तो ये लोग नहीं बहुत आते अब भी अच्छे। डिले होगा, ये बंदे आते नहीं है जल्दी, क्यों पता नहीं क्यों, हर बार बोलते हैं कि टाइम से आ जाया करो। और क्या करते हो तुम लोग, डीएनसी इतना देर से बैठा है। विशित ठाकुर पूछ रहे हैं भाई चालू कर दो, भाई चालू जरूर कर देंगे ब्रो, 9:20 को जैसे कि बताया हुआ है, 9:20 को मैच स्टार्ट होगा, मतलब 9:20 को ही होगा। और यहाँ पर डेडली की तरफ से अर्पण सेकंड स्लॉट होल्ड करते हुए यहाँ पर डेडली अर्पण, लेकिन डेडली एसकेएन देवजीत अभी भी, डेडली पर एसकेएन चार देवजीत टाइम एक ही पास कर स्लॉट लिए में, हैं। बंगाली बाबू यहाँ पर खेलने की बात कर रहे थे, बंगाली बाबू कहाँ पर हैं भाई, कितने स्लॉट बंगाली होल्ड कर बाबू लिए इन स्लॉट लोगों ने, नंबर 3 में, बंगाली बहुत अब सारे स्लॉट हैं यार, थ्री, बहुत सारे बंदे हैं। भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, डेडली वाले क्या कर रहे हैं अरे भाई, ब्रो पोंका सोलो भी स्क्वाड खेलने वाले हैं ये लोग आज, क्या मतलब कुछ भी। नहीं, नहीं खेलेंगे शायद, मुझे और देखते देखते 45 बंदे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और 3 मिनट है हमारे आपके पास। सुप्रियो सिल यहाँ पर पूछ रहे हैं हाय है ब्रो कैसे हो, बहुत ही अच्छे ब्रो, आपके बताओ कैसे हैं आप, बहुत ही अच्छे देव मैं जी। एक बार डेडली वालों से अच्छा पूछ ना भाई, एक टीम में खेलो, मैं वो मैसेज कर देता हूँ। एक मैसेज कर दे, मैसेज कर दो। डेडली नूब, वैसे ये बंदा नूब नहीं है, मैं पहले से बता देता हूँ। भाई हर क्लैन के एक एक करके ऐसे हाँ बंदे होते हैं। ओके डुओ, एक डुओ और एक फुल ट्रायो खेलेंगे दिपजी, मतलब मुझे लग रहा है आज है डेडली की तरफ से, यहाँ पर डेडली तुलैब बंदा की मैं बोला, सोच रहा हूँ, डुडले तुलैब अगर आ जाए बंदा तो बोल थ्री रहा बी है। थ्री ट्रायो ट्रायो हो सकते हैं डेडली की तरफ से, लेकिन मुझे ये पता क्यों नहीं चल रहा भाई, एक फुल टीम क्यों नहीं फॉर्म कर रहे हैं लोग, ऐसे तो मुझे भी, मैं बात सोच करनी रहा पड़ेगी हूँ। इस कस्टम के बाद। और यहाँ पर 9:18 होते हुए, 9:18 होते हुए यहाँ पर मैं क्या, यहाँ पर नहीं, 9:18 होते हुए 2 मिनट बाकी है। सुप्रियो सिल बोल रहे हैं, ब्रो कैसे हो, बहुत ही अच्छा ब्रो, पंकज ब्रो तुम्हारा बहुत आवाज अच्छा थोड़ा सा ब्रो। शायद आज मतलब सप्रेस आएगी, बहुत ही कम आएगी, लेकिन आ जाएगी हाँ बहुत टेंस। ही, हाँ आ रहा है, मैं देखा आ रहा है सांस, लेकिन बहुत ही कम। मैं फिक्स करने का कोशिश करूँगा, फिर भाई से तुम्हारे वहां आपको से कॉल फिक्स की करता हूँ। कोई कोई कुछ नहीं है भाई, तुम्हारे वहां पर फिक्स करने की कोई जगह ही नहीं है, नहीं मेरे यहाँ से आता है, आज मैं पता नहीं लाइव गया ना करता ऑमलेट हूँ टारगेट का ना। क्या प्रॉब्लम हो रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन आती नहीं है। नहीं वैसे भी मैं जब लाइव करता हूँ उसमें भी मेरा माइक का जो वॉल्यूम है बहुत डाउन हो जाता है, पता नहीं क्यों।
ऑलराइट गाइस, हमें 919 हो चुके हैं और 947 बंदे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और देखते ही देखते 920 होने वाले हैं और हम लोग काउंट डाउन स्टार्ट करेंगे 10 की। तो एक बार फिर से हम लोग चेक कर लेते हैं, कोई अगर एमुलेटर आ जाए भाई। पोंका बहुत ही ज़्यादा पेशेंस के साथ चेक कर लो, कोई है तो ठीक नहीं है, मैं चेक कर एमुलेटर। रहा था। ठीक है, मैं चेक अंकुश कर रहा कुमार, था। ओ भाई टीम नंबर 20 को शाउट आउट दे दो। टीम नंबर 20 पे है, 20 सॉरी 22 पे डेविल मार्वेल थेनस भाई, टीम 22 शाउट आउट टू यू ब्रो। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाता है डेविल का, जो मार्वल का जो टीम मार्वल है। का जो टीम है, लेकिन मार्वल का टीम में आज के थोड़ा सा चेंजेस होते हैं, क्योंकि मार्वल के तीन बंदे होते हैं, डेविल एक अकेला बंदा होता है। और यहाँ पर 19 19, और 1 मिनट देखेंगे हम लोग, उसके बाद शुरू होगा हमारा आज का कस्टम। आज क्या कस्टम स्टार्ट नाइन होगा? फोर्टी एट 48 बंदे जुड़ चुके हैं। गोल्डन गोल्डन करके एक बंदा है, पता नहीं कहाँ गया कि बैठ गया, गोल्डन ईगल टीम नंबर 12 में, टीम नंबर 12 में। शायद नया ओके बंदा खेल रहा है कोई। 49, और यहाँ पर 920 होते हैं, और हम लोग अभी वेट ओनली 2 मिनट। प्रणय ब्रो आज नहीं रुक सकते, 920 को हमारा स्टार्ट होगा, बता दी गई थी, और 920 को स्टार्ट होगा और काउंटडाउन स्टार्ट किया जाए। अरे भाई ए सॉरी पंका भाई, ठीक है, तो स्टार्ट करते जल्दी हैं। स्टार्ट टेन करते हैं। नाइन नाइन एट एट सेवन सेवन सिक्स सिक्स फाइव फाइव फोर थ्री फोर थ्री टू वन टू एंड स्टार्ट। वन ऑन। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं ओके स्टार्ट करता दीपू हूँ। इनवाइट, दीपू इनवाइट, दीपू इनवाइट तो है ही नहीं बो। दीपू तो आप, दीपू भाई आप तो इन लॉबी पे ही नहीं थे। दीपू भाई इनवाइट, दीपू भाई इनवाइट चैट में लिखे थे इनवाइट। इसे देख, मैं एक मिनट, वो असित भाई को कॉल कर एक बार। हाँ, स्टार्ट हो गया ना। हाँ स्टार्ट तो हो चुके हैं ब्रो, क्या तुम्हारे वहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो रहा है? ठीक है, मैं देख रहा हूँ। ठीक है, मैं देख और रहा यहाँ हूँ। पर देखते हैं हम लोग आज का जो मौसम है, बहुत ही शानदार भाई, बहुत ही शानदार मौसम है। वह फिर से सानी सानी हुई गान फटी मेरी, मतलब दीपू भाई ऑलरेडी है हमारे हमारे दीपू भाई का मैं एक बार देखना चाहूंगा। डेडली दीपू, ओ भाई डेडली दीपू सोलो भी स्क्वाड खेल रहे हैं आज। जैसे तैसे करके आ गए रूम में, और यहाँ पर 50 बंदे के साथ हमारा आज का कस्टम शुरू होते हुए हम लोग देखना चाहेंगे कहाँ से प्लेन जाती है और कौन सी होट जोन लोग जो टीम से हमारे प्रेफर करते हैं। जैसे कि हातिन में बहुत ही ज़्यादा फाइट देखने को मिला था पिछले कस्टम में, पैराडाइज में बहुत ही ज़्यादा फाइट देखने को मिला था, और फिर से वो ही रूट यहाँ पर। एक मिनट पंखा और का, सनी वेदर के साथ यह बंदा भी फॉगी वेदर है। अच्छा, ऐसा रिपोर्ट आया कि मैच में, आज के मैच में कैरल है। पता नहीं, मैं देख रहा हूँ उसको। देख लेंगे। और भाई क्या हो रहा है यहाँ पर, लेको की तरफ से तीन स्क्वाड जाते हैं, टीम 17 टीम 20 एंड टीम 18। पैराडाइज के साथ पैराडाइज भी जाएंगे, टीम डेडली की, जैसे कि उनका फेवरेट स्पॉट है पैराडाइज, पैराडाइज जा रहे हैं टीम डेडली। एंड टीम नंबर 3 शायद बूट कैंप उतर रहे हैं, पता टीम नहीं। नंबर 3, टीम नंबर 20 भी जा सकते हैं बूट कैंप। टीम नंबर 20 जा रहे हैं बूट कैंप, टीम नंबर 20 को देखते हैं। हाँ टीम नंबर 20 जा, अकेले स्क्वाड है, टीम नंबर DNC जा रहे हैं बूट कैंप, और कोई भी टीम नहीं है। टीम नंबर बूट कैंप पे एक स्क्वाड, पैराडाइज पे एक स्क्वाड, रुइंस पे शायद दो टीम स्क्वाड देख रहे नंबर हैं, रुइंस पे कोई 19 स्क्वाड नहीं है। टीम नंबर 19 को देख रहे हैं, टीम नंबर 19 एंड 14 बहुत ही पास पास से जा रही है, जा कहाँ जा रहे हैं ये बंदे। सेमी, और सेमी में ही जा सकते हैं। सेमी टीम नंबर 19, टीम नंबर 19 एंड टीम नंबर 14 एक साथ जा रहे हैं। टीम अप आज देखने को मिलेगा, नहीं एक्सपेक्ट तो नहीं करते ब्रो आप। क्लॉज टीम बहुत ही ज़्यादा फाइट लेते हैं, अपने टीम से ही भी फाइट लेते हैं अगर सामने सामने आ जाए तो, लेकिन टीम अप देखने को नहीं मिला। टीम एक टीम जा रही है, टीम क्लॉज की एक टीम जा रही है सहने में, एंड दूसरी टीम जा रही है ये जो कहाँ है ये बंदे, नाखम नाखम देखते हैं। ऐसे भाई जगह तो।
और डेडली दीपू के मैं यहाँ पर देखना चाहूंगा, क्योंकि डेडली दीपू के कुछ टूर ही है, एक टीम, टीम नंबर 15 बहुत ही करीब है डेडली दीपू के। एंड आप देख सकते हैं, आपको मैं मैप दिखा रहा हूँ, जो टीम्स हैं कोई भी आसपास नहीं है, बहुत जो जो भी टीम्स जहाँ भी होल्ड किए हैं अरे एक भाई तू तो साथ। एंटर नहीं हुआ गेम में। अरे यार भाई कोई नहीं, तू अरे तो भाई, एंटर मैं नहीं तो हुआ एंटर गेम ही में, नहीं हुआ गेम में ब्रो। अंकुश कुमार ब्रो, ये पबजी का ग्लिच है ब्रो, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते ब्रो। कब अरे कब भाई वैसे मैं बता दूं, हाथीन पिछले जो सैटरडे वाला मैच था सैनोक का, उसमें हाथीन तीन स्क्वाड गई थी, लेकिन आज देख लो एक भी स्क्वाड नहीं। एंड पैराडाइज पे तीन स्क्वाड आई थी, पैराडाइज पे आज एक ही स्क्वाड सिर्फ डेडली का। एंड डीएनसी आज पहले जो पिछले जो मैच थे डीएनसी पैराडाइज प्रेफर किए थे, लेकिन आज जो है प्रेफर किया। एंड डेडली थी वो यहाँ पर फाइट लेने की कोशिश, लेकिन आकाश को यहाँ पर नॉक किए थे, लेकिन कवर मिलता हुआ हिटमैन एचडी की तरफ से। एंड डेडली दीपू को फिनिश की गई। सोलो भी स्क्वाड खेल रहे थे, वैसे। सोलो हो हाँ गए थे। अंकुश भाई, जो मतलब वो एक हैकर का रिपोर्ट आया, मैं उसको देख रहा हूँ, ठीक है? कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी हुई तो मैं बता दूंगा उसका नाम, अभी उसके ओके नाम पर अंकुश कुमार, पता नहीं क्या हुआ, हो गया ब्रो, यही होता है ब्रो, पता नहीं क्या हुआ है पबजी का ग्लिच। लेकिन टीम नंबर 12 जो है धीरे धीरे पैराडाइज की तरफ आगे बढ़ते हुए, और वहाँ पर बैठा है टीम डेडली। तो मुझे लगता है यहाँ पर टीम डेडली वर्सेस टीम हॉट देखने को मिलेगा। गोल्डन इगल इगाली कुछ टीम हॉट के लिए तो मुझे लगता है कि हाँ गोल्डन इगाली को हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। टीम नंबर ट्विन इसके डेडली इसके यहाँ पर पैराडाइज छोड़ते हुए शायद, लेकिन हॉट जो टीम है बहुत ही पास आते हुए यहाँ पर, हॉट जो टीम है बहुत ही पास है डेडली के। हाँ बहुत ही पास दो है बंदे डेडली के हैं भाई, उनको पता है इधर पैराडाइज में बंदे हैं। और टीम 2 BH पोपून सोलो भी स्क्वाड खेल रहे हैं। टीम टू के सोलो बंदे DH पोपून हॉट के पीछे, और हॉट मुस्तफा यहाँ पर शायद शायद स्पॉटेड हैं, क्योंकि टीम BH पोपून नहीं घूम गए, क्योंकि फाइट लेना ठीक नहीं समझा, सोलो है बंदा, क्योंकि सोलो है बंदा। और यहाँ पर टीम 16 एंड टीम 17 यहाँ पर आसपास मैं देख पा रहा हूँ, 18 सॉरी, टीम 16 एंड टीम 18 आसपास ही है बिल्कुल। फर्स्ट इधर से गाड़ी लेके निकल रहे, कहाँ पे जा रहे हैं ये बंदे? ऑक्सीसुमन आकाश गांगुली के ऊपर शॉट लेते हुए आकाश गांगुली को डैमेज नहीं दे पाए, लेकिन कोशिश तो थी डैमेज मिल की, लेकिन आकाश गांगुली यहाँ पर स्पॉटेड है ऑक्सीसुमन के द्वारा। लेकिन आकाश गांगुली के जो बाकी टीममेट्स हैं बहुत ही दूर हैं, आकाश गांगुली के ऊपर अगर टीम 16 आ जाती है पूरी की पूरी, तो आकाश गांगुली यहाँ पर ख़त्म हो सकता है। लेकिन एमी सुदीप तो भी शायद जल्दी से पहुँच रहे हैं कवर देने के लिए। टीम 18 नहीं, मैं गलत बता दूँ, टीम 18 के और एक बंदा बहुत ही पास है, एमएस रोहित एंड एमएस सुमित तो शायद बहुत ही दूर है। वो लोग दूर से शायद कवर देने का, और इधर शॉर्ट सारे ऑक्सी सुमन को जा रहे हैं, एंड और एमएस रोहित एंड ऑक्सी सुमन नॉक, बहुत ही अच्छा बढ़िया बैकअप इधर देते हुए भाई एमएस टीम। ऑक्सी सुमन नॉक शायद आसानी से रिवाइव मिल जाएगी, लेकिन देखते हैं मिलता है या नहीं। हाँ मिल जाएगी, हाँ इधर क्योंकि मिल बीच जाएगा, बिल्कुल ही पीछे है ऑक्सी विशाल एंड ऑक्सी राजन। बहुत ही एंड अच्छे टीम टाइम में 12 इधर एंड टीम 2 यहाँ पर आसपास बिल्कुल ही, गोल्डन इगाली टीम 2 के ऊपर टीपीपी लेते हुए, BH पापुन भी शायद टीपीपी ले रहे हैं। एंड नहीं, यहाँ पर भागने की कोशिश, फॉल बैक करने की कोशिश, क्योंकि उनके पता नहीं कि सामने जो बंदे हैं वो फुल टीम है या फिर सोलो है। ऑक्सी सुमन को यहाँ पर नॉक होते हुए टीम 18 रास कर दी गई है टीम 16 के ऊपर टीम 18 द्वारा। ऑक्सी पुराना भी ऑक्सी नॉक विशाल हो फिर गया से भाई, नॉक, एक्शन ऑक्सी पूरा नॉक हो सकता है, बहुत ही अच्छा स्किल है, बहुत ही ज़्यादा डैमेज नॉक हो सकता है पूरा नॉक ने, बहुत ही कम HP से, ऑलमोस्ट 10 HP से बच गए। और एसएमजी चाकू बहुत ही अच्छा पोजीशन में होल्ड कर रहे हैं अभी इधर। ऑक्सी पुराइन को ओपी लौंडा इसको को दिखाओ, जरूर इसके को दिखाएंगे ब्रो। हमारा जो डेडली टीम है टीम नंबर चाकू 25 इधर है, है कहाँ पर एसएमजी देखना। चाकू को देखना चाहिए।
डेडली इसके अभी तक पैराडाइज होल्ड करके ही रखे हैं। एंड 18 को देखेंगे यहाँ पर, एम एस रोहित शॉर्ट्स लेने की कोशिश एसएमजी चाकू के ऊपर, एम एन नॉक, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस भाई एम एस रोहित, बहुत ही अच्छा स्नाइपिंग। अब यहाँ पर जो है टीम 16 बहुत ही ज्यादा प्रेशर में आते हुए ऑक्सीपुरन अकेले बचे हैं, शॉट लेने की कोशिश एंड 18 टीम 18 के एक बंदे नॉक, तो यहाँ पर डाउन पूरा का पूरा फिनिश करते गया, फिनिश किया गया क्योंकि टीम 16 के जो बंदे नॉक हुए थे उन्हें उनको टीम 18 ने पूरा का पूरा फिनिश किया। सुदीप तो यहाँ पर नॉक है, ओपन है बहुत ही अच्छा एंड सुदीप तो नॉक, ऑक्सीपुरन के बहुत ही अच्छा स्प्रे, एंड ग्रेनेड कुक कीजिए, अगर ये ग्रेनेड कनेक्ट होती है तो गांगुली आकाश गांगुली यहाँ पर नॉक सकते हैं एंड पुश करने की ठीक समझे आकाश गांगुली एंड आकाश गांगुली देखने को देखते हैं एंड यहाँ पर आकाश गांगुली के बहुत ही अच्छा पुश एंड टीम 16 यहाँ पर पूरा का पूरा वाइप आउट होते हुए हम देख रहे थे। बाकी कहाँ पर टीम नंबर 25 डीएनसी, ओके टीम डीएनसी जा रही है पैराडाइज की तरफ एंड टीम डेडली जा रही है बूटकैंप की तरफ। और डेडली इसके यहाँ पर क्या कर रहे हैं लेट के, ओके डेडली इसके शायद स्पॉट कर चुके हैं टीम 20 को, नहीं नहीं हुए, मुझे भी नहीं लगता हो गए नहीं, दूसरी तरफ टीपी भी ले रहा है डेडली देवजीत एंड यहाँ पर शायद स्पॉटेड है क्योंकि उसी तरफ एंगल करके आगे बढ़ रहा है डेडली देवजीत। एंड यहाँ पर जोकर लुसीफर डीएनसी क्लैन की, डीएनसी क्लैन जो है पूरी टीम जो है पूरी पैराडाइज में घुस चुके हैं एंड डेडली मूव इन मूव ऑन करते हुए, डेडली तुलैब यहाँ पर पैराडाइज में अभी तक है लेकिन ये भी शायद मूव ऑन करेंगे। हाँ पैराडाइज तो यहाँ पर निकलते हुए, ये क्या हुआ भाई डीएनसी गया पैराडाइज में और डेडली पैराडाइज से निकल गया, लेकिन यहाँ पर और अभी टीम 22 को देखते हैं, टीम 22 की एंड टीम 14 यहाँ पर फाइट देखने को मिल रहा है हमें एंड टीम 14 के एक बंदा क्लॉज बूम से यहाँ पर नॉक है, फिनिश की जाएगी हाँ पूरा के पूरा फिनिश कर दी गई क्लॉज एंड क्लॉज रिको यहाँ पर नॉक, क्लॉज बीटीएस आके फाइट अकेला फाइट में दो बंदे रखे, मार्बल थेनस को यहाँ पर फिनिश कर सकते हैं, मार्बल थेनस को मैं पोजीशन देखना चाहूँगा, मार्बल थेनस बहुत ही अच्छा रिको की तरफ से क्लॉज बीटीएस की तरफ से बहुत ही अच्छा एंड क्लॉज बीटीएस नॉक, ओ यहाँ पर बहुत ही अच्छा मॉली बाई क्लॉज विडो भाई मर गए हैं ब्रो, बचाते हुए बहुत ही अच्छा मॉली, बहुत ही अच्छा मॉली से पूरा का पूरा फिनिश कर क्लॉज बीटीएस ने यहाँ पर डैमेज तो दिया था और तुरंत ही क्लॉज विडो जो मॉली किया था तुरंत ही नॉक हो गए एंड उनका टीम का लास्ट बंदा था, जैसे कि पूरा का पूरा टीम फिनिश होते है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजी, एक बंदा मॉली कर रहा था एक बंदा डैमेज दिया था। टीम नंबर 3 बंगाली बाबू अर्पण एंड डेडली नूप खेल रहे हैं एंड टीम नंबर 5 का अकेला शेर अमित, शेर अमित जो है बहुत ही अच्छा रोटेशन दिखाते हैं, मैं बता दूँ पिछले इरांगल मैच में हमने देखा था शेर अमित की रोटेशन एंड डेडली टीम यहां पर शायद टीम 2 के ऊपर आते हुए डेडली एसके यहां पर टीम 2 के तरफ आते हुए लेकिन स्पॉट नहीं कर पाए। मैं बता दूं डीएनसी टीम जो है वो भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है डेडली की तरफ, डेडली से और टीम 1 टीम हॉट ड्रॉप को देख लेते हैं, टीम 21 को मिला है ड्रॉप और इसमें है लेबित्री वेस्ट एंड एमके, लेबित्री हेलमेट उठा ली ऑक्सी किलान ने, ऑक्सी राजन शायद वेस्ट भी उठा लेंगे बहुत ही अंग एम के प्रेफर नहीं किए एंड टीम 2 के पास डेडली, टीम 2 के पास डेडली, टीम 2 शायद ठीक नहीं समझ रहे हैं
एंड बीएच पापन लास्ट में फाइट लेने की फैसला करते हैं डेडली सुले पे पता था कि बीएच पापन समझ नहीं पा रहे हैं कहां से फाइट ले, लेकिन बीएच पापन को यहां से स्पॉट कर ली गई थी इसके की तरफ से एंड बीएच पापन फिनिश हो चुके हैं। लेकिन यहां पर डीएनसी को पता चलते हुए यहां पर बंदे हैं तो डीएनसी आगे बढ़ रहे हैं एसके को शॉट से बहुत ही ज्यादा बहुत ही कम हेल्थ में यहां पर बच गए थे डेडली एसके डीएनसी का एक बंदा उनसे फिर से डैमेज डीएनसी राइजर ओपन में भागते हुए बुनिया पता है बहुत बंदे बहुत ज्यादा डैमेज है तो ओपन में फाइनल अभी उनको पता भी नहीं है कि फुल लेफ्ट में डीएनसी का एक बंदा फ्लैंक करके आ चुका है। डेडली तुलेप यहाँ पर नॉक हो सकते हैं क्योंकि वो बंदा आगे आ रहे हैं एंड डेडली तुलेप के ऊपर शॉट लेने की कोशिश शायद डेडली तुलेप यहाँ पर ओके नॉक डेडली तुलेप राइजर्स की तरफ से जोकर सॉरी जोकर लूसीफर ने स्नाइपिंग करके यहाँ पर डेडली तुलेप को नॉक करते हुए एसके के बहुत ही करीब है ओपन में डीएनसी सीजर यहाँ पर नॉक करते हुए डेडली एसके को एंड बाकी हैं बचे हैं डेडली देवजीत अकेले एंड यहाँ पर ग्रैंड कुकर टीम सीएस डेडली टीम पूरा का पूरा फिनिश बाय बहुत ही ओपी लेवल परफॉर्मेंस बाय डीएनसी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखा दिखाते हुए यहाँ पर डीएनसी का जो टीम परफॉर्मेंस है बहुत ही अच्छा ज्यादा फर्स्ट है एंड बहुत ही प्लानिंग से ये लोग आगे जाते हैं यहाँ पर टीम 14 एंड टीम 19 ये आगे पीछे जाते हुए क्लॉज की दोनों टीम ब्रो ये लोग टीम अप तो नहीं कर रहे हैं ना टीम 14 एंड टीम 19 दोनों टीम क्रॉस की है और बहुत सारे चैट हम लोगों से मिस हो गए मैं एक बार देख लेता हूँ चैट चैट्स है अंकुश कुमार भाई मेरी स्क्वाड पर जाएगी सब और क्लॉस बीटीएस एंड क्लॉस रिको यहाँ पर नॉक होते हैं क्लॉस वही टू रिवाइव देने की कोशिश लेकिन पुश करना ठीक समझेंगे यहाँ पर एंड मॉली की जा रही है रोसी लेप्सी एंड ग्रेनेड भी की जा रही है यहाँ पर फिनिश हो सकते हैं पूरा का पूरा टीम जितनी सारे ग्रेनेड किए गए भाई रिकू को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डैमेज देते हुए एंड फिर से रिकू नॉक विडो एंड बीटीएस किसी तरह सर्वाइव करते हुए लेकिन जोन की डैमेज एंड ग्रेनेड हॉट 46 राइट से फ्लैंक करते हुए बीटीएस को नॉक कर सकते हैं बीटीएस नॉक एंड क्रॉस की कोई पॉसिबिलिटी नहीं देख पा रहा हूँ यहाँ पर सर्वर करके क्रॉस विडो अकेले बचे हैं एंड मुझे लगता है यहाँ पर ओके क्रॉस डेविल को नहीं बहुत ज्यादा था लेकिन क्रॉस भाईराज पीछे से कवर देते हुए एंड टीम ये टीम पूरा का पूरा फिनिश होते हैं टीम 17 भी यहाँ पर फाइट ले रहे हैं नहीं 17 जोन के इंतजार में जोन कैंप कर रहे हैं टीम 19 की टीम 17 जो है टीम 19 की जोन का इंतजार कर रहा है वो है एसएलआर टीम बहुत ही ज़्यादा ओपी टीम है एसएलआर एंड टीम 23 टीम 12 बहुत ही ज़्यादा आसपास टीम 20 भी क्लोज इन कर रहे हैं जोन की तरफ टीम 21 जोन में है टीम 18 भी जोन में है टीम 15 अकेले पीछे है बहुत ज़्यादा एंड शेर अमित जो है जोन टू जोन खेलते हुए टीम नंबर यूनिकॉर्न पर डीएनसी को देख लेते हैं टीम नंबर 23 डीएनसी सीजर डीएनसी राइजर टीम सीएस C7S क्लाउन एंड जोकर लूसीफर के एक किल यूनिकॉर्न टीम C7 क्लाउन को पीछे से नॉक कर दी गई एसएलआर डायनो की तरफ से ओपिलोंगा बैकग्राउंड नॉइस साउंड कर बैकग्राउंड साउंड करेंगे ब्रो नेक्स्ट जो ओपन हैंड है बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस डीएनसी सीजर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस ब्रो डीएनसी सीजर जो है बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हैं एंड सॉरी डीएनसी सीजर नहीं था राइजर था भाई डीएनसी सीजर और डीएनसी राइजर से मुझे बहुत कंफ्यूजन होता है टीम हॉट यहाँ पर मूव इन करते हुए हॉट मोंटी होल्ट किंग
गोल्डन ईगल एंड मुस्तफा। टीम 19 फिर से फाइट। टीम 19 के सॉरी टीम 19 को क्यों नहीं एक्सपेक्टेड हो रहा है ब्रो? एक मिनट। हाँ क्लॉस वायरस हिट्स आर 46, क्लॉस डेविल एंड हाँ रोस। टीम नंबर 19 एंड टीम नंबर 17 आसपास हैं, दोनों बंद, दोनों जो टीमें जोन की डैमेज में है। तो टीम 17 के चार बंदे जोन की तरफ मूव इन करते हुए, टीम 19 के भी तीन बंदे जोन की तरफ मूव इन करते हुए, और टीम थ्री बंगाली बाबू डेडली ओरपन एंड डेडली नूम मूव जोन की तरफ मूव इन करते हुए, लेकिन उनको पता नहीं टीम 5 का अकेला बंदा शेर अमित उनके पीछे से बिल्कुल जोन की तरफ मूव इन करते हुए, क्योंकि इस जोन के बाद जो डैमेज जोन की डैमेज आएगी बहुत ज़्यादा होगी। हिटमैन एचडी यहाँ पर अकेले टीम 12 के ऊपर एम करते हुए, लेकिन टीम 12 को पता नहीं उनके सामने है। एंड हॉट किंग को यहाँ पर बहुत ज़्यादा डैमेज देखने को मिला है, मुझे हॉट किंग को मैं देखना चाहूँगा। टीम डीएनसी की तरफ से डैमेज दी गई थी। जोकर जोकर लूसी पर स्नाइपिंग करते हुए हॉट मोंटी यहाँ पर नॉक करते हुए, हॉट मुस्तफा भी नॉक करे केसी को, देखना चाहूँगा किसे नॉक किया। और नहीं फिनिश कर दी गई थी एक बंदा जो था डीएनसी राइजर यहाँ पर पिक करते हुए, जोन के बाहर है डीएनसी, डेम टीम 12 भी जोन के बाहर है, लेकिन जोन में जल्दी ही मूविंग करना होगा। डीएनसी राइजर यहाँ पर आगे बढ़ना ठीक समझे तो आगे बढ़ रहे हैं। हॉट मुस्तफा नॉक डीएनसी राइजर के द्वारा, हॉट मुस्तफा नॉक एंड हॉट किंग यहाँ पर बिल्कुल यहीं पर है, तो आसानी से यहाँ पर रिवाइव मिलेगी डीएनसी राइजर को। मैं एक बार देख लेता हूँ, डीएनसी राइजर जो है गोल्डन ईगल के ऊपर पूरा पीक करके बैठे हैं। भाई मैं बताना चाहूंगा टीम नंबर 20 के दो बंदे अभी भी जोन के बाहर है, एंड हॉट मोंटी जेएनसी सीजर को नॉक करते हुए यहाँ पर मैं बता दू रिवाइव देना बहुत ही जरूरी है। हॉट मोंटी यहाँ पर नॉक हो सकते हैं, फ्री फायर दी गई है। और इधर टीम नंबर 17 से भी शॉट्स आते हुए इधर से रमित को, 16 बंदा खेल रहा है इधर। एंड हॉट किंग जोन में, हॉट किंग जो है ऑटो लेके आ गए जोन में जाने के लिए। टीम सीएस क्लाउन, ओके डीएनसी सीजर को अभी तक रिवाइव नहीं मिली है। ओ रिवाइव देने की मतलब समझ गए, रिवाइव दी नहीं जा सकती यहाँ पर, इतने ज्यादा दो जोन है। एंड डीएनसी राइजर यहाँ पर नॉक होते हैं हॉट मोंटी की तरफ, प्लेजन में डीएनसी सीजर फिनिश एंड हॉट मोंटी जोकर लूसीफर को फिनिश करते हुए। तो मैं बताना चाहूंगा डीएनसी के जो टीम थी बहुत ही ज्यादा दिक्कत में है, हॉट मोंटी को पूरा फिनिश दी गई कर दी जाएगी, जोन की डैमेज हॉट मोंटी को ले लेगी, लेकिन गोल्डन ईगल जो भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डैमेज देते हुए, लेकिन डैमेज ज़्यादा दे नहीं पाए, सेफली जोन के अंदर रखे। लेकिन यहाँ पर डेडली टीम हॉट टीम की जोन कैम करते हुए, हॉट मुस्तफा और भी है यहाँ पर, गोल्डन ईगल को पूरा लिया जाएगा डेडली ओरपन की तरफ से। भाई तीन तीन टीम यहाँ पर फाइट ले रहे हैं, हॉट मुस्तफा अभी भी सर्वाइव करते हुए। एंड हॉट मुस्तफा द्वारा बंगाली बाबू नॉक ओरपन की तरफ से कवर फाइट। एंड हॉट मुस्तफा फूडा का फूडा हॉट टीम फिनिश बाय डेडली
सेकंड टीम, एस एल आर टीम को देख लेते हैं, टीम नंबर 17 को। टीम नंबर 17 को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, एस एल आर 1NN यहाँ पर नॉक है एंड टीम 17 खत्म। ओ भाई टीम 17 पूरा का पूरा वाइप्ड आउट। हिटमैन एसडी यहाँ पर सोलो खेल रहे हैं, सोलो नहीं डुओ खेल रहे थे, आकाश यहाँ पर फिनिश है, लेकिन टीम नंबर 19 इनके पीछे है। टीम नंबर 19 हिटमैन के पीछे है, क्रॉस भाई वायरस डेविल एंड हॉटमैन 46। हिटमैन जोन की तरफ भागते हुए बेज बांटी जोन में नॉक होते हुए। मैं बता दूं तुझे, जोन के बाहर जो है कोई भी टीम जोन में नहीं है, सारे जो टीम है जोन में आनी है सबको, एंड डेडली टीम फर्स्ट जो है टीम वो जोन की तरफ मूव इन करते हुए, कोई भी टीम आसपास नहीं है। टीम 18 अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं, टीम 21 सर्वाइव कर रहे हैं, चार बंदे टीम 19 के, तीन बंदे सर्वाइव कर रहे हैं एंड बीएच बंटी यहाँ पर फिनिश होते हुए। एमएस रोहित ऑक्सी के ऊपर फाइट लेते हुए, और एमएस रोहित ऑक्सी टीम ऑक्सी के ऊपर फाइट लेते हैं, ऑक्सी किलर यहाँ पर टीपीपी ले रहे हैं, नहीं टीपीपी नहीं ले रहे, जोन की तरफ मूव इन करते हुए एमएस ऑक्सी भाग को एमएस रोहित को नॉक करते हुए, एमएस एनएस टीम की शॉट देने की कोशिश, ऑक्सी किलर नॉक, ऑक्सी भाग को यहाँ पर समझते हैं, एमएस रोहित नॉक पर है लेकिन जोन में है, रिवाइव दी से सकते हैं अगर ऑक्सी भाग को यहाँ पर फिनिश होते हैं तो। तो गाइज अभी तक तीन टीम सर्वाइव कर रहे हैं, टीम 21 के ऑक्सी भागो सिर्फ अकेले सर्वाइव कर रहे हैं यहाँ पर, एंड शायद टीम 18 की तरफ से ऑक्सी भागो के ऊपर शॉट्स ली जा रही है, एंड उदीप एम एस सुदीप से खत्म जोन के डैमेज से। आकाश गांगुली यहाँ पर अकेले बचे हैं टीम उनके टाइम से, टीम 18 से आकाश गांगुली अकेले सर्वाइव कर रहे हैं, टीम 18 यहाँ पर डेडली जो टीम है तीन बंदे अभी तक सर्वाइव करते, ऑक्सी भाग को यहाँ पर फिनिश हो सकते हैं एंड ऑक्सी भाग को फिनिश थ्रू आकाश गांगुली द्वारा, लेकिन यहाँ पर जो है डेडली की तरफ मैच आते हुए क्योंकि जोन का डैमेज आकाश गांगुली को पड़ने वाली है क्योंकि जोन के बाहर है, एंड डेडली और पोन यहाँ पर टीपी पे लेते हैं, डेडली बंगाली बाबू भी यहाँ पर टीपी पे लेते हुए एंड बंगाली बाबू द्वारा आकाश गांगुली फिनिश। एंड ये जो टीम विनिंग विनर चिकन डिनर होते हुए हमारे डेडली के सेकंड टीम को, लेकिन देखने वाली बात है मैक्सिमम किल्स कौन सी टीम की है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थर्ड पार्टी हुए हैं, सैनोक का जो है जो रूल्स है अब कभी भी थर्ड पार्टी हो सकते हैं, तो वो ही देखने को मिला है यहाँ पर। और चाय चैट हमने बहुत ज़्यादा मिस कर दी ब्रो, भाई मेरी स्क्वाड पर भाई एक और कस्टम कर लो ना नेक्स्ट मैच, सेम स्लॉट सेम टीम्स फ्री, ओपी लॉन्डा बैकग्राउंड साउंड कर देंगे ब्रो, अंकुश कुमार प्लीज ब्रो, एक दिन में एक ही मैच होगा अंकुश कुमार ब्रो, लेकिन जल्दी हम लोग एक दिन में मतलब संडे के दिन दो मैच करने वाले हैं और बहुत ही ओपी ओपी आइडियाज हमारे पास हैं, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए ब्रो, हम लोग थोड़ा सा इम्प्रूव कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा नई नई चीज़ जो आज तक किसी यूट्यूबर ने किसी भी यूट्यूब में नहीं किया, किसी ने किसी भी क्लैन में नहीं किया, तो आज वैसे वैसी चीज़ आप लोग को देखने को मिलेगा, जैसे नहीं आपको आज आइडियाज़ के बारे में नहीं बनना चाहूँगा, वो बिल्कुल ही सरप्राइजिंग चीज़ है, वो एक सस्पेंस है, तो इतना समझो, और भी बहुत सारे प्लान्स हैं डेडली के पास, तो हम लोग के साथ जुड़े रहे, सारे जो नेक्स्ट मैचेस होंगे आपको बता दी जाएगी, टेंशन की कोई बात नहीं है।
और गाइस जितने भी बंदे देख रहे हैं आपका, अगर हमारे कस्टम फ्री कस्टम खेलना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी नंबर दी गई है, उस नंबर पर आपको एक व्हाट्सएप मैसेज करना है, आप हमारे साथ रजिस्टर्ड हो जाएंगे एंड आसानी से हमारे जो नेक्स्ट कस्टम्स हैं जो कि कल है तो आसानी से हमसे जुड़ पाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर देखना चाहूँगा पोंका, जैसे कि हमारा डेडली सेकेंड टीम बंगाली बाबू डेडली नूब एंड अर्पन का टोटल किल्स है 7 एंड एम एस सुदीप तो आकाश उंगली सेकेंड फर्स्ट रनर अप जो टीम है उनका किल है 5-6। ऑक्सी क्लैन की एक टीम की है 2 किल, क्लॉज की एक टीम की है 5 किल। हॉट क्लैन का हॉट मंटी के 4 किल, हॉट किंग के 2 किल 6 किल एंड हॉट मुस्तफा का 2 किल 8 किल, टोटल 8 किल है हॉट की तरफ से एंड डीएनसी की तरफ से 3, 4, 5 किल, एसएलआर की तरफ से नहीं, एसएलआर का परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर नहीं रहा तो उनकी तरफ से कोई किल नहीं। क्लॉस की सेकंड टीम जो है उनकी तरफ से 1 किल। हाँ बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी हुए थे आज, बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी। तो जय जितना मैं देख पा रहा हूँ अभी तक, मैं फिर से एक बार चेक करने वाला हूँ ऑफलाइन, मतलब लाइव की ख़त्म होने के बाद एक बार मैं चेक करने वाला हूँ। हॉट जो टीम है हॉट मोंटे हॉट किंग हॉट मुस्तफा एंड गोल्डन ईगल, ये जो टीम है अभी तक उनका किल मैं देख पा रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा है। हॉट मोंटे के 4 किल, हॉट किंग के 2 किल 6 किल हो गए एंड हॉट मुस्तफा के 2 किल, टोटल हो गए उनके 8 किल। एंड सेकेंड जो है हमारे डेडली ऑर्पन 4 किल, डेडली नूब का 1 किल एंड डेडली बंगाली बाबू का 2 किल, टोटल हुए 7 किल। 8 किल के बाद मैं देख पा रहा हूँ हमारे जो सेकंड टीम है डेडली के 7 किल हो गए, उसके बाद 6 किल है बहुत सारे टीम के पास, जैसे कि फर्स्ट रनर अप एम एस सुदीप तो आकाश गंगुली एम एस रोहित एंड जी सी एक्स आफ्टर शॉक इनके है 6 किल एंड क्लॉस भाईरस किसी और एक टीम की देखी थी मैंने 6 किल, तो बहुत बात नहीं है क्योंकि हाईएस्ट टीम 8 एंड 7 हो जाती है फर्स्ट एंड सेकंड। मॉन्टी गेमिंग टीम हॉट विथ हाईएस्ट किल्स ब्रो, जरूर अभी तक तो वही लग रहा है लेकिन हम लोग फिर से चेक करेंगे। स्टे ट्यून विथ अस एंड गाइस यहाँ पर आज की स्ट्रीम हम लोग खत्म करते हैं, मिलते हैं आप आपके साथ फिर से कल फिर से 9 बजे एंड फिर से एक नए फ्री कस्टम के साथ, एलिट कस्टम के साथ। तो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर डेडली गेमिंग को सब्सक्राइब करें एंड सभी को गुड नाइट।